हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीजे सिस्टम चैनल यूट्यूब पे और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, ये एक मिक्सिंग कंसोल है MGP32X। इस मिक्सर में ख़ास बात ये है कि इसमें आईपॉड और आईफोन के लिए एक पोर्ट भी होता है, इसका जो डिस्प्ले बोर्ड है इसके ऊपर, और आप पेन ड्राइव लगा के इस पे चल रहे प्रोग्राम को लाइव रिकॉर्ड करके स्टोर भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। इको इफ़ेक्ट के लिए FX1 FX2 दो स्लाइडर हैं और ऊपर डिस्प्ले बोर्ड के नीचे जो बटन हैं आपको नज़दीक से दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं FX1 FX2 लगा है, उसके ऊपर वॉल्यूम जैसा है, तो इससे स्पीड और इसे स्पीड वगैरह सेट होगा, और बाईं तरफ जो है उससे आप ऊपर नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपको ओके करना है। रूम डिले आप जैसा चाहें यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और दोनों चैनल के लिए अलग अलग सेट कर सकते हैं। और कहीं आपको ना समझ में आए तो होम बटन जो दाहिनी तरफ है उसको दबा के आप नॉर्मल मेनू में फिर से वापस इससे जा सकते हैं। और जो ये काले काले दोनों वॉल्यूम जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दाएं से बाएं भी घूमते हैं और ऊपर से पुश करके ये ओके भी करते हैं, और फंक्शन को क्लोज भी इसी से किया जाता है, तो दोनों तरह के काम ये करता है। और इस वीडियो में मैं आपको पेन ड्राइव लगा के उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, सेव करूँगा और फिर उसको प्ले करके दिखाऊँगा आपको। ये मिक्सर 98,000 के आसपास इसका रेट होता है, और मैं अब आपको ये टैप के बारे में थोड़ा बता दें। इस पे 8 नंबर और 8 नंबर पे ये टैप है, और ये 9 नंबर पे सिंगल डिले है। ये जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। येलो कलर का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा तो ये काम करेगा। आप इसको जब 9 और 8 नंबर पे सेट करेंगे ऊपर डिस्प्ले बोर्ड के नीचे जो FX1 है से, तब ये काम करता है। इससे इफेक्ट बदलता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसमें पेन ड्राइव लगा के और रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ और चेक करता हूँ। तो अब इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव चाहे खाली हो चाहे भरी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्ले प्रॉपर आ जाए उसके बाद पेन ड्राइव लगाना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ा जल्दबाजी किया, इससे इसको रीड करने में आसानी होती है। तो ये अब आ गया है, और इस ये रिकॉर्डिंग बटन है, इसको मैंने ऑन कर दिया है रिकॉर्डिंग, और नीचे अभी सेकंड चलने लगेगा। अभी रिकॉर्डिंग नीचे ब्लिंक हो रही है, तो देख सकते हैं, और ये सेकंड चलना शुरू हो गया है। इसको 8-10 सेकंड तक की रिकॉर्डिंग में करता हूँ, फिर उसके बाद इसको सेव करके फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो अभी 17 सेकंड हो गया, 17-18 सेकंड, और अब इसको बंद करते हैं उसी रिकॉर्डिंग बटन से, और नीचे जो वॉल्यूम जैसा था दाहिनी तरफ जिससे हम लोग स्पीड मिलाते थे इसी से इसको सेव करेंगे, और बाईं तरफ जो वॉल्यूम जैसा है उससे लिस्ट निकालेंगे टाइटल, और अब ये लिस्ट आ गई, MP3 रिकॉर्डिंग है, इसको ओके करते हैं। यहाँ पर 2 रिकॉर्डिंग है, एक मैंने इससे पहले चेक किया था और एक बाद में, जो तो ये पहली फाइल चल रही है जो मैंने टेस्टिंग के लिए पहले चेक किया था, और जो अभी आपके सामने रिकॉर्ड किया वो इसके बाद प्ले करूँगा। तो टाइटल से पता नहीं चला कि ये पहली है एक दूसरी है, तो ये पहली फाइल ख़त्म, आप दूसरी प्ले करते हैं फिर से। ये है जिसको हमने आपके सामने रिकॉर्ड किया था, ये फाइल तो आप देख सकते हैं आवाज़ एकदम क्लियर है, और इसे टाइटल ये फॉरवर्ड से निकाले जाते हैं। ये 17-18 सेकंड 20 सेकंड। तो इस तरह दोस्तों पेन ड्राइव लगा के आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक।
अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करना। और इसको क्लोज कर देते हैं, पेन ड्राइव सीधा ही निकाल लिया था तो इसको पुश करके क्लोज किया जा सकता है। अब देखते हैं क्लोज के नीचे जो वॉल्यूम बटन है इससे बंद हो जाएगा। अब ये नॉर्मल मेनू में आ गया है। तो वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। Hey.